चुनाव में दस्तक दे दी है और मैं लंबी बात, क्योंकि हमारे सारे वरिष्ठ नेता मेरे बाद में बोलेंगे, मैं लंबी बात आपके बीच में नहीं करना चाहता। राजनीति की का भविष्य तय करेगा, केवल देश की नहीं हरियाणा की भी राजनीति का भविष्य तय करेगा। ऐसे समय पर चुनाव हो रहा है, बड़े बहुमत के साथ, बड़े वायदों के साथ देश में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। नए काम को एक हेल्थ
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरियाणा के प्रभारी माननीय गुलाम नबी आजाद साहब और वर्किंग कमेटी के मेंबर हमारी छोटी बहन शैजा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अशोक तंवर जी, रोहतक के सांसद दीपेंद्र जी व सभी विधायकगण और हमारे साथ उपस्थित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं इस क्रांतिकारी भूमि को सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और राज साहब को जाना चाहता हूँ। इस भूमि ने किसानों की आवाज अब से नहीं अंग्रेजों से टकर ली थी। 1922 में जब पंजाब पाकिस्तान सब एक था, अंग्रेजों ने गलियाबाला उड़ा दी थी, उस समय सबसे पहले यहाँ पर किसान सम्मेलन हुआ जिसमें मेरे दादा चौधरी बहादुर नाम ने यहाँ पर प्रदायक किया और डॉक्टर सतपाल जो जनपाल से प्रधान दे हुआ है और यहाँ से आवाज उठी अंग्रेजों की देवता कटी हुई सदा इस इलाके ने राई लड़ी। ये इलाका किसानों का, मजदूरों का, उनकी आवाज ये सरकार को